हेलो गाइस, बेस्ट विलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सबसे खतरनाक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आ सकता है जब मेरे से आप समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं। तो एपी हम किताब के माध्यम से आपको, बहुत कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आखिर सीखें। देखिए, पहला जो है भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को पूरा पढ़ते हैं और इस कहानी के माध्यम से जो किताब में दिया हुआ है उसके माध्यम से हम एपी को पूरा खखोरते हैं। देखिए, पहला में दिया हुआ है, पहला जो बात किया जा रहा है, देखिए क्या कहा जाता। रीना ने एक पद के लिए आवेदन और उसका चयन हो गया है, मतलब एक पद के लिए आवेदन करती है और उसका चयन भी हो गया, मतलब वहां काम करेगी भी, कोई दिक्कत नहीं है। उस पद के लिए 8,000 रुपया हर मंथ दिया जाता है, मासिक वेतन दिया जाता है, लेकिन 500 रुपया वार्षिक वेतन में वृद्धि के साथ दिया जाता है। मतलब जब एक साल हो जाएगा तो 500 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए, ये ज्वाइन की थी उस समय 8,000 रुपया था, कितना था 8,000 था, और हर साल अगला साल में 500 रुपया बढ़ेगा। तो बताइए यहाँ कितना बढ़ेगा, 8,500 हो जाएगा, फिर यहाँ बढ़ा दीजिएगा, ये तो ज्वाइन की तक ने, उसके बाद एक साल के बाद, उसके बाद फिर देखिए फिर कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9,500 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, मतलब जो कौन रीना जो है इसके लिए ज्वाइन की उस समय, उसके बाद आगे अगले साल इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से ये कहानी बताया गया है। अभी हम एपी को नहीं समझा रहे, एपी को समझाना है जब कहानी को पूरा खत्म कर देंगे। तो फिर देखिए दूसरा में बोला गया है, दूसरा नंबर बात देखिए, एकदम ये सब बात को समझ जाइएगा ना तो एपी को आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बात को समझना है। अब डायरेक्ट एपी का डिफिनेशन लिखा दे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आने लगेगा, लेकिन डिफिनेशन हमको नहीं बताना है। इधर पर देखिए कहानी क्या बताता है, देखिए, एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई नीचे की से ऊपर के एक सामान के रूप में 2 सेंटीमीटर घटते जाती है, मतलब नीचे से ऊपर तक, जैसे एक सीढ़ी है, जैसे देखिए किताब में बनाया गया है इस तरह से सीढ़ी है, हाँ सीढ़ी होता है, किताब में बनाया गया इसीलिए बना रहे हैं ना। देखिए इस तरह से सीढ़ी क्या हो रहा है, इतना घटते जा रहा है, नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कितना घटते जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर घटते जा रहा है। तो नीचे वाला जो है सब 45 सेंटीमीटर, कितना है 45, तो ये कितना हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए इस तरह से घटा देते हैं, यहाँ 45, फिर यहाँ 43, फिर कितना हो जाएगा, फिर 41, फिर कितना हो जाएगा 39, इस तरह से घटते जाएगा। तो यहाँ देखिए हमको कुछ मिल रहा है, कुछ नंबर मिल रहा है, समझे, कुछ नंबर मिल रहा है, ठीक है, अभी समझाएंगे नहीं, कुछ नंबर मिल रहा है, इसी में कोई कोई एपी है और कोई कोई एपी नहीं है, वही समझते हैं। फिर देखिए तीसरा बात है, इस सीढ़ी को मिटा लेते हैं, दिक्कत हो जाता है सीढ़ी। देखिए तीसरा बोलता है, किसी बचत योजना में कोई धनराशि 3 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है, स्वयं की 4/5। तो उसके पास वो जो है, जो कोई आदमी है, धनराशि 8,000 रुपया निवेश करती, इन्वेस्टमेंट करता है, या 8,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, बताइए, या 8,000 इन्वेस्टमेंट करता है और कहता है कि तीन साल में, मतलब 3 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, 5/4 गुना हो जाता है, कितना होता है 5/4 वर्ष, मतलब 5/5 गुना हो जाता है, गुना हो जाता है। तो बताइए जब 8,000 का 5/4 कीजिएगा कितना आता है, कितना हो जाता है 5/4, तो 4 से कीजिएगा तो 4×8, मतलब यहाँ 2,000 हो गया, तो 2,000×5 तो 1,000 हो जाएगा, कितना हो गया 1,000, मतलब 3 वर्ष के बाद इसको मिलेगा 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 1,000 मिल जाएगा, उसके बाद फिर 1,000 का मतलब यही जो आया है ये 3 साल के बाद, फिर 6 साल के बाद, तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, सॉरी देखिए ना, 2,000×5 तो 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा, 10,000×5/4 कीजिए, 5/4 जब इसको भी काटिएगा तो कितना जाएगा आपका, यहाँ देखिए काट दीजिए 2500 का 100, 25 और यहाँ 1200 और 25×5 125, मतलब 125 और यहाँ 200, तो 12,500 आ जाएगा। तो दूसरा साल मतलब 6 साल के अंदर में कितना जाएगा 12,500 आ जाएगा। फिर 12,500 को कुछ कीजिए, मतलब इसको मिटा लेते हैं, यहाँ देखिए 12,500 को फिर क्या कीजिए,
कितना करना है, 5/4 करना है, हर 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद, यहाँ मतलब 3 साल, यहाँ 6 साल, यहाँ 9 साल, यहाँ 12 साल, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है, समझे। तो 5/4 इसको काटिए, इसको तो देखिए काटिए, इस तरह काटा जाता है, 4 + 12 यहाँ 3 बचा कितना, यहाँ 5 है, तो 4 × 4 बचा कितना 1, और 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 बचा कहते हैं 2, और 2, और यहाँ बचा, हाँ तो 4 × 5 = 20, और यहाँ गुना कीजिए 5, तो यहाँ गुना कीजिएगा कितना जाएगा आपका, आ जाएगा 15625 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 15। इसी तरह से इसको भी क्या करना है, यहाँ लीजिए 15625 को, और यहाँ 5 × 4, ये कितना जाएगा 3 साल में, यहाँ 6 साल में, यहाँ 9 साल में, अभी जो आएगा 12 साल में हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, और इसका भी कोई एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। अभी सीक्वेंस बताते हैं, अनुक्रम क्या होता है, सो पहले इसको समझ लेते हैं, कहानी समझ आइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एपी समझने में। पहले क्या होता है, कोई सभी लोग क्या बताते हैं, एपी ही बताने लगते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होने लगता है, तो आपको अच्छी तरह से इस भाव समझ में आएगा कि आखिर क्या है। देखिए तीसरा, फिर चौथा, देखिए कहानी कुछ इस प्रकार है, चौथा देखिए अभी बता रहे हैं कि एपी भी बता नहीं रहे हैं, अभी देखिए सीक्वेंस लिख रहे हैं यहाँ, अकॉर्डिंग टू किताब, अकॉर्डिंग टू बुक्स, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि भुजा 1, 2, और 3 इकाई वाले एक मात्रा का वर्गों का वर्गों की संख्या है, कितना मात्राओं की वर्गों की संख्या, देखिए 5/2 में, तो देखिए वर्गों की संख्या, देखिए यहाँ क्या बताया गया, वर्गों की संख्या बताइए, तो आकृति मतलब ये भुजा इकाई एक है, जिसका देखिए यहाँ इकाई एक है, मान लीजिए कि एक यहाँ भुजा है, तो एक एक वो है ना, अब मान लेते इकाई 2 रहेगा तो कितने भुजा होगा, देखिए वर्ग कितना होगा, तो इकाई 2 होगा, देखिए हर तरफ से 2 होना चाहिए, हर तरफ भुजा का मतलब वर्ग कितना होना चाहिए, देखिए इसमें से 2 हुआ, एक यहाँ एक इकाई एक यहाँ, तो कितना टोटल 2 इकाई हुआ, फिर यहाँ यहाँ 2 इकाई हुआ, यहाँ भी 2 इकाई हुआ, यहाँ भी 2 इकाई हुआ, तो देखते हैं इसमें वर्ग कितना हो गया, इसमें भी देखना है। फिर देखिए अभी एक बोला कि 3-3 लेंगे इकाई, तो कितना वर्ग होगा, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए फिर यहाँ इस तरह कर देते, 3 इकाई हुआ, इधर 2 इकाई हुआ, इधर करना पड़ेगा, देखिए 3 इकाई होगा, इधर भी 3 इकाई, इधर भी 3 इकाई, इधर भी 3 इकाई, इधर भी 3 इकाई, तो वर्गों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या बताइए, इसमें कितना है, 1 का इसका देखिए वर्गों का कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, इसका देखिए 2, इसका इकाई को पकड़िएगा, इसका भुजा को पकड़िएगा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए 4 हुआ, 1, 2, 3, 4 हो गया, यहाँ फिर देखिए इकाई का 3 है, तो वर्गों की संख्या कितना हुआ, 3 के पावर 3 है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो 4 के पावर 4 होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ एक हमको अनुक्रम मिला, अभी अनुक्रम क्या होता है सबको पहले समझा ही लेते हैं, उसके बाद हम आपको एपी समझाएंगे, लेकिन पहले भी हमको कहानी समझाने दीजिए कि आखिर क्या है। तो यहाँ भी एक सीक्वेंस लिखे, एक यहाँ भी सीक्वेंस लिखे, यहाँ भी और भी लिखते हैं, जितना बताया उतना सब दे लेते हैं, तो आपको समझ में अच्छी तरह से किताब का पूरा हूबहू आपका दिमाग में छप जाएगा, एकदम गारंटी है। देखिए पांचवा जो है, पांचवा नंबर जो कहानी है, देखिए कुछ इस प्रकार बोला जा रहा है कि शकीला अपने पुत्र के गुल्लक में 100 रुपये डालती है जब वह 1 वर्ष हो जाती है। जो शकीला जो है, शकीला एक लड़की औरत है, उसका औरत है, उसका एक बेटी है, ठीक है, बेटी है, कोई भी बेटी है, बेटा जो भी होगा, ठीक है, डालती है ना, तो होगा बेटी होगा, ठीक। तब यहाँ क्या करती है, शकीला जो है 100 रुपये तब डालती है एक गुल्लक में, मतलब इस तरह से गुल्लक होता होगा, हाँ, और यहाँ थोड़ा छिद्र होगा, यहाँ कचकचा के पैसा डाला जाता है, तो इसका जो मम्मी है, इसका भविष्य के लिए क्या कर रही है, कुछ पैसा मतलब जमा कर रही है, भविष्य के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई हो सकता है या फिर मैरिज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पैसा कुछ डालती है, तो तब डालती है गुल्लक में जब उसका बेटिया 1 साल की वर्ष हो जाती है, 1 साल की हो जाती है, तो इसमें 100 रुपये बोल देती है, 100 रुपये डाल देती है, डाल देती है, और प्रत्येक वर्ष में, हर प्रत्येक वर्ष में 50-50 रुपया डालती जाती है, क्या डालती है, 50 रुपया, मतलब पहला साल में फिर 50 रुपया डाली, फिर 50 रुपया डाली, मतलब इस तरह से डालते जाएगी, तो कत्ते मतलब देखिए फिर बोलता है तो कितना हो जाएगा, मतलब जन्म दिवस पर गुल्लक में डाले गई राशि, मतलब हर जन्म दिवस पर, पहले दूसरे तीसरे चौथे जन्म दिवस पर इस तरह से डालते जाते हैं। तो बताइए पहला में 100 रुपया डाली हूँ, ठीक है, अकार बाद एक जन्मदिन आएगा उसका, तो कितना हो जाएगा बताइए, 50 रुपये डाल रही, वृद्धि कर रही है, तो 50 रुपये 150 रुपये हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, इस तरह से ऐसा सोन बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, तो ये कोई सीक्वेंस बन रहा है। देखिए आप पहले सीक्वेंस समझा लेते हैं, अभी लास्ट जो एग्जांपल है उसको हम इतना इत्मीनान से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं जगह है, समझे, जगह नहीं है, इस कारण से भी इत्मीनान से समझाएंगे। देखिए सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस आखिर क्या है, सीक्वेंस जिसको कहते हैं अनुक्रम, क्या बोलते हैं, अनुक्रम, पहले समझिए अनुक्रम, अनुक्रम उसे कहते हैं कोई भी संख्या एक डिफिनिट कोई खास रूल के अनुसार, कोई भी संख्या कोई खास रूल के अनुसार नहीं, खास क्रम के अनुसार
अकॉर्डिंग टू खास मतलब खास रूल के अनुसार मतलब कोई खास नियम के अनुसार हो तो उसे हम क्या कहते हैं अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए एक अनुक्रम बोलते हैं कि डिफिनिट ऑर्डर, डिफिनिट ऑर्डर मतलब जिसको बोलते हैं खास खास क्रम अकॉर्डिंग टू मतलब उसके अनुसार किसके डिफिनिट रूल मतलब कोई खास रूल के अनुसार मतलब डिफिनिट ऑर्डर हो मतलब ये देखिए ये जो है आपका कोई ऑर्डर है किसके अनुसार एक कोई डिफिनिट रूल के अनुसार मतलब कोई एक खास रूल के अनुसार हो तो उसको अनुक्रम कहते हैं। मतलब कोई भी चीज होना चाहिए मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है नंबर नहीं कि जैसे तैसे लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कि हम आपको बताते हैं। जैसे कोई यहाँ देखे यहाँ तीन यहाँ पांच यहाँ छह यहाँ तीन पांच छह तो देखिये यहाँ कोई रूल हो रहा है गिनती हो रहा है क्या हो रहा है तीन पांच छह सात आठ ये भी कोई एक रूल के अनुसार बैठा हुआ है ठीक है। अब यहाँ कोई बोल देगा कि यहाँ पांच यहाँ आठ यहाँ दो यहाँ एक यहाँ चार ये कोई रूल रेगुलेशन से ये नंबर नहीं है देखिए इसका अंतर देखिए या फिर कोई गुना भी कर दीजिए नहीं हो पा रहा है तो ये कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है इसको इसीलिए अनुक्रम नहीं कहेंगे ठीक है। अब देखते हैं जो हम लोग बताया जा रहा है एग्जाम्पल वो क्या है। यहाँ देखे एपी को यहाँ देखे अंतर कितना है यहाँ है 500 का देखिए ये कितना है 500 का अंतर है यहाँ देखिए कितना है 500 का अंतर है यहाँ भी कितना है 500 का अंतर है मतलब अगला में से पिछला घटाइएगा अगला में से पिछला मतलब आठ देखिए अगला इसको मान लेते हैं अगला जिसे मान लेते हैं इसको ए वन इसको मान लेते हैं ए टू इसको मान लेते हैं ए थ्री इसको मान लेते हैं ए फोर इस तरह से जैसे जाएगा तो देखिए ये सबको पद कहते हैं क्या कहते हैं पद कहते हैं क्या कहते हैं इसको ए वन ए टू ये सब देखो संख्या जो दिया हुआ इस संख्या क्या है ऐसा पद है देखिए ये पद है इला पद है ये पद है सब पद है मतलब ये भी पद है इसको कहते हैं पद। तब बताइए इसको पद बोलते हैं यहाँ लिख दीजिए कि ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री इसका सब क्या है पद है सब क्या है पद है क्लियर हो गया पद किसको कहते समझ में आया लिख लिया हो गया। अब फिर देखिए दूसरा क्या है पद हो गया आपको अब देखिए सार्वयंत्र किसको कहते हैं सार्वयंत्र इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं देखते हैं कॉमन डिफरेंस होता है अगला में से पिछला अगला में से पिछला तो इसको डी से डिनोट करते हैं इसको डी से डिनोट करते हैं तो यहाँ डी बराबर लिखा जाएगा ए टू देखिए ये अगला में से पिछला घटाना है मतलब ए टू माइनस ए वन होगा ए टू माइनस ए वन फिर अगला देखिए फिर क्या कहलाएगा इसके बराबर होगा सब यहाँ देखिए ए थ्री माइनस ए टू देख रहे हैं मतलब यहां से यहां घटा रहे हैं फिर यहां घटाएंगे ए फोर माइनस ए थ्री बराबर हो जाएगा सब बराबर रहेगा ए फोर माइनस ए थ्री बराबर देखिए ए फाइव रहेगा उधर तो ए फाइव माइनस ए फोर इस तरह से मतलब संख्या रहेगा मतलब घटाएंगे यहाँ भले हम ए बी सी डी पे लिख रहे हैं ए वन ए टू ए फोर में लेकिन संख्या करेंगे मतलब इससे अगला में से पिछला घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ कुछ आएगा यहाँ से घटाएंगे कुछ आएगा यहाँ से घटाएंगे कुछ आएगा तो जो आएगा नंबरवा वो सब बराबर होगा क्या होगा सब बराबर होगा तब कहेंगे ए पी क्या कहेंगे तब कहेंगे ए पी अर्थात नहीं कहेंगे आपको सार्वंतर समझ में आएगा किसको कहते हैं सो सार मतलब अगला में से पिछला को घटाना अगला में से पिछला को घटाना यहाँ लिख सकते हैं अगला माइनस पिछला अगला माइनस पिछला पिछला ठीक है इस तरह से आप लिख सकते हैं अगला माइनस पिछला इस तरह से आप इसको रख सकते हैं कि सार्वंतर किसे होता है अगला माइनस पिछला को कहते हैं। देखिए अब यहां देखिए कि कौन कौन सा है तो यहां देखिए अंतर अगला में से पिछला कहते हैं 500 यहां कहते हैं 500 यहां कितना है 500 तो सब जगह 500 रुपया है तो इसको कहेंगे समांतर श्रेणी उसको क्या कहेंगे समांतर श्रेणी जो जो मतलब अंतर समान रहेगा उसको कहेंगे समांतर श्रेणी। देखिए यहाँ भी देखिए यहाँ जो सीढ़ी वाला एग्जाम्पल दिया गया था यहाँ 45 है यहाँ 43 है तो देखिए यहाँ अगला में से पिछला घटाइए तो 43 में से 45 घटाइए तो कुछ आपको मिलेगा अंतर माइनस 2 का मतलब माइनस 2 घटते जा रहा है माइनस 2 यहाँ मतलब घटाते जाइए मतलब जोड़ते जाइए माइनस 2 जोड़ते जाइए यहाँ देखिए 500 रुपया जोड़ते जाइए यहाँ देखिए माइनस 2 जोड़ते जाइए तो देखिए माइनस 2 जोड़ते जाइए यहाँ भी देखिए घटाइए तो 41 में से कितना आएगा 41 में से 43 घटाइएगा तो कितना आएगा माइनस 2 आएगा ठीक है इसी तरह से आइएगा फिर देखिए यहाँ 41 हो गया फिर 39 में से 41 घटाइएगा तो आपको देखिए यहाँ अंतर जो आ रहा है आपके बीच में
आपके बीच में जो अंतर आ रहा है ये माइनस टू, तो ईद यदि बराबर हो जाए तो इसको बोलेंगे एपी। तो आपका देखिए ये वाला एग्जाम्पल एपी, ये दो एग्जाम्पल एपी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि सार भी अंतर समान हो सके। सार भी अंतर किसको कहते हैं समझ में आ गया, पद किसको कहते हैं समझ में आ गया, ठीक है दो भी समझ में आया ना। फिर देखिए तो ई वाला एपी, ई वाला भी एपी। अब देखिए यहाँ, यहाँ देखिए अगर अंतर, अंतर देखिए भैया अंतर, तो यहाँ देखिए 12, यहाँ देखिए करते हैं 12,500 में से घटाइए कितना 10,000 घटाइए, तो 10,000 घटाइएगा तो कितने आएगा बताइए, यहाँ कितना आएगा 2,500 आएगा, 2,500 आएगा। फिर यहाँ कीजिए 15,625 में से घटा दीजिए 12,500 तक घटाइए, तो इसमें देखिए 5 का 5, फिर यहाँ 2 का 2, फिर यहाँ 6 में से 5 गए तो 1, फिर यहाँ 6 में से 5 गए तो 1, और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3। उसके देखिए 3,100 का अंतर, अंतर देखिए समान है समान नहीं है, तो ये वाला बकलौलवा एपी नहीं है। देखिए ये एग्जाम्पल जो है एपी में नहीं है क्योंकि इसका अंतर अगला में से पिछला, देखिए अगला अगला में से पिछला और फिर अगला में से पिछला घटा रहे हैं, मतलब इस तरह से लिख रहे हैं तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एपी में नहीं है, आपको समझ में आ गया कि अंतर नहीं है, तो इसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, मतलब ये वाला एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि अगला में से पिछला समान नहीं था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9, तो यहाँ देखते कितना 4 है, 4 में से घटाइएगा 1 तो कहते आएगा 3, फिर यहाँ कहते हैं 9 है अगला, मतलब अगला में से पिछला, यानी कहते हैं 4 हो गया तो कितना हो गया बताइए, यहाँ हो जाएगा 5। फिर देखिए यहाँ 4 चौका 16 में से कितना 9 घटाइएगा कहते हो जाएगा, देखिए यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ देखिए बराबर है, सार्वांतर सार्वांतर नहीं है, सार्वांतर मतलब अगला में से पिछला, अगला में से पिछला घटा रहे हैं, वही ला देख रहे हैं। तो कोई आपको सीरीज में दे दिया, सीक्वेंस में दे देगा, मतलब कोई एक नियम एंड कानून से है, मतलब ये अलग नियम कानून से बढ़ रहा है, समझे कि यहाँ 5/4 गुना हो रहा है, मतलब ये जो संख्या जो दिया हुआ 5/4 से यहाँ क्या दो दो घट जोड़ते जा रहा है, माइनस दो दो जोड़ते जा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ का 500 जोड़ते जा रहा है, यहाँ देखिए कोई एक स्क्वायर हो रहा है क्वेश्चन के में, तो ये कोई डिफिनिट कोई रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार है, रूल एंड रेगुलेशन अनुसार कोई भी संख्या यदि कोई सजाया गया है तो उस संख्या को हम अनुक्रम करते हैं, क्या करते हैं अनुक्रम करते हैं, अभी आपको समझ में आ गया अनुक्रम क्या होता है, ठीक है। कोई नियम और कानून से सजाया गया, मतलब देखिए सबको स्क्वायर किया गया, इस तरह से समझ सकते हैं। फिर देखिए तो ये वाला एपी में का नहीं है, ये दूसरा चीज कुछ है, समझे, यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ 100 अगला में से पिछला, देखिए 150 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ कुछ आएगा, यहाँ आएगा 50। फिर देखिए 200 में से क्या कीजिएगा, 200 में से 150 घटाइए तो आपका कितना जाएगा 50 आएगा, मतलब यहाँ कोई भी अंतर कीजिएगा माइनस 200 कीजिए तो आपका कितना आएगा 50 आएगा, देखिए यहाँ सब बराबर आ गया तो आप कह दीजिए ट्रैक्स पर मार दीजिए, एकदम जल्दी मार लीजिए, कोई रुकने का टोक नहीं है आपके, ये क्या है एपी में है। इतना आपको समझ में आ गया, अब हम आपको मिटा के एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं जो बहुत ही खतरनाक है, वो लगता है क्या है एपी में नहीं है लेकिन अच्छा समझाया गया है कोई रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार। देखिए मतलब किताब को आपको पूरा हमको सजाना है ना, इस कारण से हम पूरा किताब के हू बहु एकदम जाएंगे, कोई थोड़ा भी इधर उधर नहीं भटकेंगे। देखिए छठा जो एग्जाम्पल बताया गया है, देखिए इसको समझिए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये बहुत ही थोड़ा समझने नहीं समझ पाता है लोग, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। खरगोश का एक युग्म है, मतलब एक यहाँ क्या है एक युग्म है, मतलब जोड़ा है समझे, अपने पहले महीने में प्रजनन करने का योग नहीं है, मतलब अपना पहला जो महीना है वो बच्चा नहीं देगा, पहला बच्चा नहीं देगा, दूसरा और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करेगा, मतलब जो अगला जो दूसरा महीना आएगा जो प्रत्येक आने वाला जो महीना होगा उसमें से एक बच्चा देगा, समझे बच्चा देगा, प्रत्येक युग्म है मतलब दोनों है, नया युग्म अपने दूसरे महीने में प्रत्येक आने वाले महीने में एक युग्म प्रजनन कर, देखिए मतलब प्रजनन करता है, या मानते हुए कि खरगोश की मृत्यु नहीं हुआ ना कि बीच में नहीं मरा, मतलब आते जाना है और इसको मारना नहीं है, एकदम पूरा आते जाना, मानना है कि मृत्यु नहीं हुआ है, पहले दूसरे तीसरे छठे महीने में आराम है, युग्म की संख्या इतना हो जाएगा, मतलब देखिए अभी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है लेकिन देखिए समझ में आएगा, यहाँ देखिए युग्म है मतलब युग्म मतलब यहाँ भी जोड़ा है, मतलब एक यहाँ एक खरगोश होगा यहाँ भी खरगोश होगा, मतलब एक लड़का वाला एक लड़की वाला, यहाँ मतलब पहला साल में मान लीजिए कि ब्याह हुआ होगा, क्या होगा ब्याह मतलब शादी हुआ होगा, तो इसमें अभी यहाँ कहा जा रहा है कि योग नहीं है, मतलब प्रजनन करने का बच्चा देने का योग नहीं है, तो पहले शादी किया होगा तो थोड़ी हुआ होगा, तो देखिए पहला कंडीशन में तो हुआ, फिर ये वाला आगे बढ़ेगा
ये वाला आगे बढ़ेगा ना, तो मान लेते हैं कि इसका दिसंबर में यहाँ मान लीजिए कि दिसंबर में इसका शादी हुआ, ठीक है, दिसंबर में शादी हुआ तो उसमें एक एक मतलब शादी हुआ था तो उसमें तो बच्चा नहीं देगा। यहाँ भी कहा जा रहा है कि योग नहीं है, ठीक है, मतलब पहला महीना में योग नहीं है, तो ये वाला फिर आगे बढ़ेगा, मतलब एक मतलब एक एक रहेगा दमिया, मतलब एक एक रहेगा यहाँ, ये एक रहेगा यहाँ, मतलब जनवरी फिर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा साफ दिक्कत होता है, ये जनवरी हो गया, जनवरी में एक एक रहेगा, यह वाला आगे बढ़ेगा, तब ये देगा जाके जनवरी देगा बच्चा, ये जो दियो युग में जो खरगोशवा खरगोशवा दोनों खरगोश है, मतलब एक लड़का लड़की वाला, तो ये क्या देगा, एक बच्चा देगा, क्या देगा, बच्चा देगा, तो एक बच्चा देगा, ठीक है, एक बच्चा देगा, एक बच्चा दे देगा आराम से, और यह वाला अपने उठ के आएगा, तो इसमें टोटल संख्या कितना हो गया, दो हो गया, मतलब जनवरी फरवरी में कितना हो जाएगा, मतलब दो हो जाएगा, समझे, एक अपने और एक बच्चा हो जाएगा, बच्चा दिया तो फिर देखिए कहने मतलब, और बात देखिए ये वाला फिर क्या करेगा, ये मतलब फिर यहाँ आएगा, मतलब फिर कितना आएगा, दो हो गया, एक एक दो, फिर यहाँ देखिए तीन होगा, तीन कैसे होगा, तीन आदमी, फिर ये अपने वाला उठ के आएगा, एक उठ के आया कि नहीं आएगा भैया, अरे ये है वाला अपने उठ के आया, अरे फिर बच्चा देगा दूसरा महीना में, दूसरा महीना में फिर बच्चा देगा, ठीक है, दूसरा महीना में फिर बच्चा देगा, और ये वाला रुकेगा, एक महीना रुकेगा, यहाँ कहा जा रहा है कि एक महीना आपको मतलब प्रजनन नहीं करेगा, जो बचवा भी होगा वो भी एक महीना रुकेगा, तो एक महीना रुकेगा तो यह वाला अपने उठ के आएगा, समझ गए, फिर देखिए फिर आएगा कितना, फिर अगर जो अभी जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ मार्च, यहाँ अप्रैल, अप्रैल में हो जाएगा पांच, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, जो संख्या होगा पांच होगा, देखिए कैसे, ये वाला तो अपने उठ के आएगा, देखिए ये वाला अपने उठ के आएगा, अरे देगा बच्चा, ये देगा बच्चा, तो एक बच्चा यहाँ ले देते हैं, ठीक है, अरे वाला अपने उठ के आएगा, ये वाला क्या करेगा, अपने उठ के आया, ये आया है अपने उठ के, ये बच्चा भी नहीं दिया, मतलब आपने कैसे देगा, ये पहला महीना में भी दिया है, तो एक महीना रुकने बोला जा रहा है, एक महीना रुकेगा, अरे वाला देखिए ये वाला दे रहे, अब योग हो गया, ये बचवा जो हो गया, अब बच्चा देगा, तो बच्चा दे देगा, बच्चा दे देगा, ये मान लिया कि अपने उठ के आया, अरे यहाँ बच्चा दे देगा, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच हुआ कि नहीं हुआ, समझे ना, मतलब पहला महीना रुकना है, फिर देखिए अब जो होगा अभी आठ होगा, कितना होगा, या जनवरी अप्रैल मई, मई में देखिए, देखिए ये अपने उठ के आएगा, कहता है अपने उठ के आएगा, अरे एक अपने बच्चा देगा, क्लियर, अरे भैया मतलब ये अपने उठ के आएगा, अरे ये बच्चा देगा, ठीक, ये वाला देखिए ये वाला बच्चा दे सकेगा, नहीं देगा, क्योंकि अभी यहाँ बच्चा दिया है, पहली बार है, तो पहली बार तो ये अपने उठ के आएगा यहाँ, क्लियर, फिर देखिए ये तो दो बार हो गया, ये तो दो बार अपने उठ के आया होगा, तो फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ ये बच्चा देगा, क्या देगा, बच्चा देगा, बच्चा देगा, तो ये अपने पहले उठ के आया, तकर बाद एक बच्चा देगा, ठीक है, दिक्कत नहीं हुआ है, नहीं, फिर देखिए ये वाला क्या हुआ, ये तो ये क्या किया था, ये अपने उठ के आया था, तो ये तो बच्चा दे देगा, ये तो बच्चा दे देगा, ठीक है, और यहाँ देखिए ये वाला जो है आपका ये जो बच्चा है, ये अपने ये क्या करेगा, ये वाला उठ के आएगा अपने से, ये अपने से उठ के आएगा, फिर एक अपने बच्चा देगा ना, दिक्कत हो गया आपको, समझ में लगता नहीं आया, फिर से देखिए यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, देखिए आप अपने से कीजिएगा तो हो जाएगा, समझ में आएगा कि मतलब पहला महीना में रुकना, जो बच्चा आएगा वो पहला महीना रुकेगा और फिर बच्चा देगा, तो यहाँ फिर से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए फिर से, क्योंकि इसमें दिक्कत होगा, ये वाला देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्लियर, ठीक है, देखिए ये वाला था आदमिया, ये तो अपने उठ के आएगा, ये एक बच्चा देगा, क्योंकि इसका तो परंपरा है, मारना नहीं है इसको, बीच में नहीं मारना है, ठीक है, फिर देखिए ये वाला तो दिया था बच्चा, ये दिया था पहले बच्चा ना, एक बार रुकेगा तो एक बार यहाँ आया, ठीक है, देखिए ये तो दो बार हो गया था, एक बार यहाँ तो रुका था, एक बार रुका था, तो एक अपने उठ के आएगा, अरे एक बच्चा होगा, ठीक, उसके बाद देखिए ये वाला हो गया, यहाँ भी दो बार इसका हो गया है, मतलब एक बार रुका हुआ है, तो एक बार अपने उठ के आएगा, अरे एक अपने बच्चा देगा, और ये वाला क्या हुआ, फर्स्ट बार बच्चा हुआ इसका, इसका सबसे फर्स्ट बार हुआ, तो एक बार अपने उठ के आएगा, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, ये आठ हुआ, इस तरह से आप आगे बढ़ाते जाइए, मतलब इस तरह से यहाँ इस एग्जाम्पल में बताया गया, तो देखिए पहला में देखिए तो आपका देखिए दिसंबर में कितना था, दिसंबर में एक एक गो था, दिसंबर में यहाँ लिख सकते हैं दिसंबर में एक गो, और जनवरी में एक गो, फिर देखिए फरवरी में दो गो, फिर मार्च में तीन गो हो गया संख्या, फिर अप्रैल में पांच गो सब संख्या हो गया, फिर वहां देखिए वो घर में कितना जनसंख्या हो गया, आठ गो हो गया, तो देखिए आप इसका अंतर निकालिएगा पहला में से ना, देखिए तो इसको मान लेते हैं ए वन, ए वन बराबर वन, ठीक है, ए टू बराबर देखिए कितना हो गया एक, फिर ए थ्री बराबर कितना हो गया, देखिए ए थ्री मतलब ये पद है, ये पद है समझे, पद ये थ्री बराबर कितना हो गया, ये थ्री बराबर टू, ये फोर बराबर देखिए ये फोर बराबर कितना हो गया तीन, ये फाइव बराबर देखिए, नहीं ये हाँ ये फाइव बराबर कितना हो जाएगा, ये फाइव बराबर फाइव,
और ए सिक्स बराबर कितना हो जाएगा, एट होगा। अब अंतर बताइए, डी बराबर क्या बना था, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला मतलब कितना था, दो में से एक, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन का कितना आया, वन में से वन गया तो जीरो हो गया। फिर यहाँ निकालिए डी कितना होगा, ए टू मतलब ए थ्री में से ए टू कीजिए, ए थ्री में से ए टू कीजिए तो कितना आएगा, अंतर बताइए, ए टू में से ए टू तो वन में से नहीं, थ्री में से नहीं, टू में से वन, सॉरी टू में से वन, देखिए ना थ्री वाला कितना है, टू है और अगला वन है, समझे। फिर देखिए, फिर कितना कीजिएगा, ए फोर माइनस, ए फोर माइनस ए थ्री कीजिएगा, ए फोर में कितना है, ए फोर में तीन है, तीन में से दो हटाइएगा तो एक आएगा, ठीक है। और यहाँ भी अंतर आएगा ये के, मतलब इसका अंतर एक आएगा। इस तरह से देखिए यहाँ जीरो आ रहा है कहीं कहीं, मतलब एक आ रहा है। फिर देखिए मतलब मान लेते हैं कि ये इसका फिर अंतर देखते हैं, ये फाइव माइनस ए फोर देखिए कितना आया, ये फाइव माइनस ए फोर तो ए फाइव कितना पाँच है, पाँच में से तीन गया तो अभी दो बचा। अरे बताओ ये फोर कित, ये फाइव कितना पाँच है, जैसे तीन घटाइएगा तो दो में बचेगा। तो इस तरह देखिए इसका जो अंतर जो आ रहा है समान नहीं आ रहा है, तो इसको हम यूपी में नहीं कहेंगे, जो खरगोश वाला युग दिया है वो यूपी में नहीं है। इस तरह से आपको हम समझाने का प्रयास किया पूरा, अभी और समझाते हैं, रुक जाइए थोड़ा, पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होने की संभावना नहीं है। फिर देखिए आप देखिए दूसरा पेज में, तो आपको यहाँ बताया गया कि पूरा क्या होता है, तो यहाँ पूरा क्या होता है सो देखिए। अब यहाँ देखिए कुछ समांतर श्रेणी का कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, किताब के अनुसार कुछ दिया हुआ है, देखते हैं कि कौन सा एपी है। यहाँ एपी में दिया हुआ है, जैसे देखिए एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार, ऐसा डॉट 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 दिया गया है किताब में। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या किया गया है, एग्जाम्पल मतलब समझाने के लिए, इतना आपको समझाने प्रयास किया गया है कि किताब आपको समझा दे। देखिए एक हजार एक सौ हो गया, फिर कितना हुआ सत्तर हो गया, फिर कितना हो गया चालीस हो गया, फिर कितना हो गया दस हो गया, इस तरह से घटते जा रहा है। फिर देखिए यहाँ तीसरा युग में बताया गया है, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, माइनस जीरो, जीरो हो गया जीरो, अरे यहाँ डॉट डॉट इसका घटते जा गया। फिर चौथा देखिए क्या होगा, अरे तीन 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 डॉट डॉट हो गया, मतलब छः हो गया, मतलब पाँच हो गया, ठीक है। देखिए वन माइनस वन पॉइंट जीरो, माइनस यहाँ माइनस वन पॉइंट फाइव हो गया, फिर माइनस टू पॉइंट जीरो हो गया, फिर 2.5 हो गया, माइनस में सब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए पहला जो संख्या में एक एक अधिक किया गया, क्या किया गया, एक एक अधिक किया गया, क्या किया गया, एक एक अधिक किया गया। दूसरा संख्या में माइनस तीस जोड़ा गया, देखिए मतलब यहाँ 100 है, अगर आप माइनस तीस जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ कहाँ रहे घटा रहे हैं, यहाँ जोड़िए फिर ऐसे मतलब लिखिए माइनस घटाइए, माइनस जोड़िए, माइनस जोड़िए तो कितना हो जाएगा सत्तर होगा, सत्तर में फिर माइनस तीस जोड़िए, इस तरह से लिखा गया, समझे। यहाँ माइनस तीस कीजिए तो कितना आएगा चालीस आएगा, देखिए आप फिर चालीस लिखा गया है, देखिए फिर चालीस में जोड़ दीजिए माइनस तीस जोड़ दीजिए, माइनस तीस जोड़ दीजिएगा कितना आएगा बताइए दस आएगा, इसीलिए दस लिखा गया। फिर मान लीजिए कि जोड़ने मन कर रहा था, दस प्लस माइनस तीस जोड़िए तो कितना जाएगा माइनस बीस आएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस लिखा जा रहा, मतलब यहाँ माइनस तीस जोड़ा जा रहा है, कितना जा रहा है माइनस तीस जोड़ा जा रहा है, और पहला वाला में वन वन ज्यादा किया जाता है, तो ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। फिर देखिए यहाँ माइनस तीन है, यहाँ माइनस माइनस तीन में क्या कीजिएगा प्लस वन जोड़िए, तो सब में प्लस वन जोड़ा जा रहा है, क्या करिए जरा तब माइनस टू आ जाएगा, फिर माइनस टू में वन जोड़िए कितना आएगा फिर माइनस वन आ जाएगा, फिर माइनस वन माइनस वन में वन जोड़ना है तो कितना आएगा जीरो हो जाएगा, तो मतलब जीरो में से फिर वन जोड़ना है तो आपके क्या होगा वन हो जाएगा, मतलब इस सीक्वेंस है। तो ये भी क्या हो रहा है एक समान, मतलब कोई चीज जोड़ा जा रहा है, क्या जा रहा है कि देखा जा रहा है कि यहाँ भी तीस माइनस तीस तीस जोड़ा जा रहा था, यहाँ एक एक जोड़ा जा रहा है, मतलब वो भी संख्या जोड़ा जा रहा है वो समान जोड़ा जा रहा है। तो ये ला एपी में है, ये भी एपी में है। यहाँ देखिए इक्कीस में तीन में से प्लस जोड़ दीजिए कितना आएगा तीन आएगा, मतलब जीरो सब में यहाँ क्या जा रहा है जीरो जीरो जोड़ा जा रहा है, तो ये भी एक कोई सीक्वेंस बन रहा है, ये भी एपी में कहलाएगा। अभी दिखाते हैं क्या होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए लास्ट वाला में क्या किया है, माइनस तीन को जोड़कर जोड़ा जा रहा है, माइनस तीन को माइनस एक पॉइंट जीरो है वहां में जोड़िए माइनस जीरो पॉइंट पांच जोड़िए, देखिए किताब में लिखा हुआ आराम से माइनस पांच, तो इसको कितना कीजिएगा माइनस कीजिएगा, तो ये भी देखिए माइनस में ये भी माइनस में दोनों को एक जात है, एक जात है जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ कर्जा है माइनस एक रुपया कर्जा है, फिर यहाँ माइनस पांच रुपया कुछ खा लिया गुपचुप गुपचुप तो कितना हो जाएगा माइनस डेढ़ रुपया का खा लिया गुपचुप, ठीक है। फिर माइनस डेढ़ रुपया था, फिर जाके क्या क्या किया, फिर जाके एक गुपचुप खा लिया जीरो पॉइंट फाइव रुपया का, यहाँ माइनस कर दिया जोड़ दिया तो यहाँ जीरो पॉइंट फाइव तक जोड़ जा रहा है, देखिये यहाँ कितना हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, माइनस यहाँ बीस नहीं लिखे यहाँ पॉइंट नहीं देखिए, ठीक है। तो यहाँ यहाँ भी कुछ एक संख्या जोड़ जा रहा है, यहाँ देखिये एक जोड़ा जा रहा है, यहाँ माइनस तीस जोड़ा जा रहा है सब में, यहाँ कितना जा रहा है यहाँ
प्लस मतलब प्लस वन जोड़ा जा रहा है, यहाँ देखिए जीरो जोड़ा जा रहा है, यहाँ कितना जोड़ा है माइनस 0.5 जोड़ा जा रहा है इस सीक्वेंस में। तो आपको यहाँ सब एपी बन रहा है, क्या बन रहा है, एपी बन जा रहा है। तो ये सब एपी है, ठीक है। तो अब आपको हम थोड़ा डिफ्रेशन लिखा लेते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर हम आपको अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है इसे। तो देखिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉमन जो सार्व अंतर होगा वो क्या होना चाहिए, देखिए सार्व अंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डी से डिनोट करते हैं, छोटका डी, काची बड़का डी मत लिखिए, छोटका डी लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि किताब में यही दिया रहता है इसीलिए। तो यहाँ देखिए अंतर जो सार्व अंतर होगा वो क्या होगा, धनात्मक हो सकता है, मतलब प्लस भी हो सकता है, धनात्मक होगा, देखिए यहाँ धनात्मक होगा, फिर ये ऋणात्मक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है, क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो ये सब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ये आपका ये कुछ भी हो सकता है, धनात्मक जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, या शून्य हो सकता है। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस रहता है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए एपी को डिफरेंशियल पूछे तो इस तरह से लिख सकते हैं, एपी का भी डिफरेंशियल लिखा देते हैं और हम आपको प्रूफ करेंगे एपी का अगले लेक्चर में। तो देखिए एपी क्या होता है कि कोई भी समांतर श्रेणी, कोई भी संख्या हो, एक समान जोड़ा जाए, मतलब समान कोई संख्या को जोड़ा जाए अतिरिक्त जोड़ने पर एपी बनता है, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा, मान लीजिए कि एक कोई है, इसमें कोई एक नंबर रहेगा, मान लीजिए पांच है, हम इसमें चाहते हैं कि दो दो जोड़ना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा पांच, फिर इसमें दो ज्यादा करते हैं कितना हो जाएगा सात, फिर दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा नौ, फिर कितना दो जोड़ देंगे कितना ग्यारह। तो ये भी कोई सीक्वेंस बन रहा है, तो जो जोड़ा जा रहा है समान चीज जोड़िएगा तो ये एपी में बन जाता है। तो कोई पूछे एपी क्या होता है, तो बोलिए कि कोई भी संख्या लीजिए उसमें से समान समान जोड़ते जाइए तो जो बनेगा वो भी एपी कहलाता है। थैंक यू, आज हम आपको देखते हैं क्लास नंबर वन था, हम एपी समझाने का प्रयास किए, आशा करते हैं कि आपको पूरा हूबहू एकदम पूरा समझ में आ गया होगा एपी आखिर क्या है। हम अगले चैप्टर अगले क्लास में क्लास टू में हम लोग इसका डिफरेंशियल समझेंगे और इसका एपी का फार्मूला को ड्राइव करेंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।